हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का एक और नया एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि बैटमैन आखिर उस डार्क मल्टीवर्स से बाहर कैसे निकलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक वीडियोज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉलविल में, जहाँ पर डैमियन और जॉन दोनों ही गाना गा रहे थे अपना गिटार प्ले करते हुए, और जहाँ पर बैटमैन डायना और क्लार्क से थैंक यू कह रहा था उसे उस डार्क मल्टीवर्स से बचाने और उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी उसकी चेस्ट ब्लीड होने लगती है और उसमें से बारबाडोस आवाज देता है कार्पेडियम। और तब हम देखते हैं कि बारबाडोस ने क्लार्क को पकड़कर उससे वो कह रहा था कि तुम मुझे इसलिए हरा पाए क्योंकि मैंने तुम्हें खुद को हराने दिया, और अगर मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पर मार सकता था। लेकिन ये सारे रास्ते आकर आखिरकार बारबाडोस पर खत्म होते हैं, और तब हम देखते हैं कि क्लार्क एक पिलर में बंधा हुआ था, जहाँ पर डायना उसे अपने लाशों से बांधकर अपने साथ उस पिलर से अलग कर रही थी और साथ ही साथ उसे जगा रही थी। और जागने के बाद वो डायना से कहता है, लेकिन मैंने बहुत सालों तक लड़के बारबाडोस को हराने की कोशिश की। मैंने कई रातें कई दिन जागे, मैं गॉड्स के साथ लड़ा, मैं विलन्स के साथ लड़ा, लेकिन फिर भी। पर वो कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुमने क्या किया। और तब वो देखता है कि वो है मेट्रोपोलिस में, जहाँ पर वो खुद के शहर को पहचान नहीं पा रहा था। आगे दोनों ही उड़ते हुए वहाँ से जा रहे थे, तब वो देखता है कि सारे लोग वहाँ पर डूब्ते बन चुके हैं डेवेस्टेटर वायरस की वजह से। इस पर वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और हम कितने दिनों से बेहोश है। इस पर डायना कहती है, हम 7 दिनों से बेहोश है, और यहाँ पर डेवेस्टेटर विलन ने अपना डूबते वायरस फैलाकर सभी लोगों को डूब्ते बना दिया। इस पर वो अपने बेटे जॉन और लुइस के बारे में पूछता है। इस पर डायना कहती है, जॉन तो बच गया लेकिन लुइस वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। और तब वो बारबाडोस का पता पूछता है। इस पर वो कहती है, वो भी गौतम में है। और इतना सुनते ही वो अपनी फुल स्पीड में उड़कर जाता है गौतम की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि गौतम सिटी में उस माउंटेन में वहाँ पर बारबाडोस खड़ा था और वो क्लार्क को चैलेंज कर रहा था। आगे बढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि बैटमैन उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद डार्क मल्टीवर्स का ब्रूस डेविस्टेटर बनकर क्लार्क को पीटने लगता है और लगभग वो उसे जान से ही मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैरी एलन आकर उसे डॉक्टर फेट के पोर्टल के जरिए सेफ जगह पहुंचा देता है। जिस पर वो कैनरा से पूछता है कि ये जगह आखिर कौन सी है। जिस पर वो कहती है, ये एक सेफ प्लेस है जो कि हिडन पॉकेट डायमेंशन में है, जिसका नाम है ओब्लिवियन बार। और आसपास के सारे हीरोज को देखकर सुपरमैन उनसे पूछता है, तुम इतने बुरी तरह से पिटे हुए क्यों लग रहे हो। एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश उन सभी से यही सवाल पूछता है, जिस पर नाइटविंग उसे जवाब देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग हार चुके हैं, हमारी सारी सिटीज हमारे कब्जे से बाहर चली गई। मर्डर मशीन ने अपने नैनो अल्फ्रेड के साथ डेट्रॉइड को कब्जे में कर लिया। रेड डेथ ने एक स्पीड फोर्स स्ट्रोम क्रिएट करके सेंट्रल सिटी को तबाह कर दिया, और बाकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। रेड डेथ के साथ फ्लैश लड़ने गया और ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग अपनी सिटीज खो चुके हैं, जैसे कि फ्लैश और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स ने खो दी। तभी नैरा सबसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये डायमेंशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बारबाडोस के आदमी हमें कभी भी पकड़ सकते हैं और हम उससे बच नहीं सकते। जिस पर ग्रीन एरो अपना एक एरो जो कि एंड मेटल का बना हुआ था वो टेबल पर रखते हुए कहता है, हम इसकी मदद से उसे हरा सकते हैं, जैसा कि हमने गौतम में देखा था जिसका साथ दे रहा था रॉबिन यानी कि डैमियन वेन। और आगे डॉक्टर फेट सबसे कहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ एंथ मेटल के सामान है, जैसे कि स्टील का हैमर, मेरा हेलमेट और प्लास्टिक मैन का एग, और इन सब की वाइब्रेशन की मदद से हम बाकी बचा एंथ मेटल भी खोज सकते हैं जो कि रिएक्टिव हो या फिर अभी अर्थ पर मौजूद हो। और वो इतना सुनते ही तीन टीमों में बंटने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर टेरिफिक उन्हें बताता है कि एक अजीब बात हो रही है, इसका कोई मतलब तो नहीं बनता लेकिन एक कोऑर्डिनेट आ रहा है जो कहीं से नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वो नेगेटिव पॉइंट से आ रहा है और वो आ रहा है डार्कनेस से। इसके साथ ही क्लार्क समझ जाता है कि वो सिग्नल बैटमैन भेज रहा है और वो अपने सपने के बारे में डायना को बताता है, जिसे सुनते ही डायना समझ जाती है कि ये ब्रूस का ही सिग्नल है। लेकिन नाइटविंग कहता है, हाँ मुझे भी लगता है ब्रूस हमें कुछ सिग्नल देना चाहता है, लेकिन वो कहना चाहता है कि यही रहकर लड़ो। इस पर डैमियन और नाइटविंग में लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्लार्क उन दोनों को समझाते हुए ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी बैटमैन गुलाब्स का एक रॉबिन आकर उन पर हमला करता है और तब अपने शॉट से उसे मारकर डेथस्ट्रोक कहता है, मुझे लगता है कोई ना कोई इसके लिए मुझे पैसे जरूर दे देगा। तब डायना कहती है, इसका आर्मर
इसकी स्वॉर्ड सब कुछ प्रोमेथियम से बने हैं और ये भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। और तब सभी लोग अलग अलग टीमों में बंटकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और डॉक्टर फेट अपना पोर्टल ओपन करके सबको वहाँ से निकाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सबको अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें से डॉक्टर फेट कैंड्रा और वंडर वुमन थे सैंड्स ऑफ बेरिया में, जो कि था एंट्रेंस ऑफ रॉक, मतलब सेंटर ऑफ मल्टीवर्स। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक मैन का एक ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर टेरिफिक थे पोलारिस सिस्टम में, जो कि डीप स्पेस में था, और मरीना ट्रेंच में थे एक्वामैन और डेथस्ट्रोक, जो कि अटलांटिस की गहराइयों में कहीं पर था, और स्टील सुपरमैन और फ्लैश आ जाते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में उस एंटी मॉनिटर टावर के एंटेना को लेने। इस पर फ्लैश उससे कहता है अब ये मत कहना कि ये एंटी मॉनिटर टावर है, इस पर वो कहता है हाँ ये वही है और ब्रूस ने इसे यहाँ छुपाया था डार्कनेस को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन अगर हम चाहे तो फैंटम जोन, तुम्हारी स्पीड फोर्स और इसके साथ हम डार्क मल्टीवर्स तक जा सकते हैं। इस पर वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि फैंटम जोन वैरिएबल मेम्ब्रेन है हमारी रियलिटी और डार्क मल्टीवर्स के बीच में। इस पर वो कहता है हाँ ऐसा ही है, और तब वो स्पीड फोर्स के साथ उन सभी को मर्ज करके एक पोर्टल बनाते हैं डार्क मल्टीवर्स तक जाने का। और इस सब की मेहनत के बाद आखिरकार क्लार्क वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो डार्क मल्टीवर्स पहुंचता है तब वो जान जाता है कि ये एक ट्रैप था, और वो इस शेप का एक टावर देखता है जहां पर सारे सुपर हीरोज बंधे पड़े थे, जो कि नाइटमेयर थे सुपरमैन के, और बाकी के सुपरमैन जो कि वीक हो चुके थे वो उसे पकड़ रहे थे और उस टावर में फिट करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे। और तभी वो देखता है ब्रूस को, जो कह रहा था मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, मैंने उस सॉन्ग के जरिए जो डेमियन और जॉन प्ले कर रहे थे उसके जरिए मैंने साफ साफ कहा था यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर क्लार्क कहता है लेकिन तुमने कहा था कार्पेडियम, जिस पर वो कहता है नहीं ये मैंने नहीं कहा था, ये बारबाटोस का काम था, क्योंकि डार्क मल्टीवर्स से सिर्फ वाइब्रेशंस भेजी जा सकती है और कुछ भी नहीं। और तब तक क्लार्क उस पिलर का हिस्सा बन चुका था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे ही दूसरे कंटेंट्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।